अब हम आ जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन बेटा इनकम टैक्स में एनटीएन है, एसटीआरएन में क्या है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका। कोई भी बेटा लीगल पर्सन है, पहले उसकी प्राइमरी, उसकी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लीगल ऑब्लिगेशंस है वो कहां से शुरू होती है, रजिस्ट्रेशन से। जब उसने बेटा रजिस्ट्रेशन ले ली, उसके बाद अगला स्टेप क्या होना है कि उसने बेटा फाइल करनी है रिटर्न। क्या करना है, उसने बेटा रिटर्न फाइल करनी। अब रिटर्न बेटा इनकम टैक्स में होती है एनुअली, साल में एक दफा रिटर्न आपने दे दी। और इसके अंदर बेटा इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट यूज होता है, उसको हम कहते हैं टैक्स ईयर। टैक्स ईयर, टैक्स ईयर बेटा क्या है, ये बेटा पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। From 1st July to 30th June, कोई भी बेटा माली साल हो सकता है। इसका जो हम नाम देंगे ना टैक्स ईयर का, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि टैक्स ईयर 2018, मिसाल मैं दे रहा हूं बेटा, तो टैक्स ईयर 2018 का बेटा पीरियड होगा 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून बेटा 2018 तक। ये बेटा जो 12 माह का पीरियड है इसको हम कहते हैं टैक्स ईयर, ठीक है। एक माली साल जो कि बेटा 12 महीनों के ऊपर मुश्तमिल है, उसकी मेरी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसकी बेटा जो एनुअल मैंने एक स्टेटमेंट जमा करवानी है उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जो मैंने साल में एक दफा जमा करवानी है, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ वन टैक्स ईयर। पहली तो ये बात आपने ध्यान में रख ले, जब बेटा मैं रिटर्न जमा करवा दूंगा तो हमारे यहां जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है इसके अंदर एक सिस्टम है, इस हम टर्म को कहते हैं, इस सारे का चार्ट आपने बनाना, लेकिन बाद में मैं इरेज नहीं करूंगा, लेकिन पहले आप बेटा समझ रहे हैं, साथ साथ बनाएंगे तो आपकी तवज्जो लिखने की तरफ होगी फिर समझ नहीं आए। हमारे यहां बेटा जो इनकम टैक्स का कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं यूएसएएस, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये है यूएसएएस का कि जो चीज मैं अपनी रिटर्न में शो करना चाहूं लीगली बेटा मुझे कोई बार नहीं है, मैं वो शो कर सकता हूं। यानी अगर मैं ये कहूं कि जी मेरी आमदनी 2 लाख रुपया है साल की, मैंने अपने गोशवारे के अंदर, आजकल तो वो ऑनलाइन है, पुराने वक्त में मैनुअल होता था, मैं उसका प्रिंट लूंगा परफॉर्मे का, उसको मैं फिल करूंगा, नेट इनकम में 2 लाख लिखूंगा, मैं जमा करवा दूंगा, तो मुझे कोई नहीं पूछ सकता पाकिस्तान में। पहले स्टेप के ऊपर मैंने बेटा जो लिख कर दे दिया सेल्फ डिक्लेरेशन में, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम में, टेक्निकली और लीगली एक स्टेप में वो लीगली एक्सेप्ट हो गया, इसको हम कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 120 है बेटा। डीम्ड असेसमेंट का ये मतलब है कि कोई भी एनटीएन होल्डर पाकिस्तान के अंदर सालाना जब अपना गोशवारा देता है तो वो बेटा अपनी मर्जी से इनकम लिख सकता है। वो 2 लाख बेटा लिख दे, वो 5 लाख लिख दे,
वो 50 लाख लिख दे, वो 0 लिख दे, पहली दफा बेटा वो हो जाएगी एक्सेप्ट। ठीक हो गया, सिस्टम में आप फीड कर देंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा डिपार्टमेंट उसकी स्क्रूटनी भी करेगा, उसका ऑडिट भी होगा, और उसके ऊपर कुछ फर्दर्स जो है ना वो लीगल पैरामीटर्स जो है ना वो आगे शुरू हो जाएंगे। पहले हमने यहां तक बात मुकम्मल करनी है कि जी इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन एनटीएन होल्डर के तौर पर होगी, सालाना आप रिटर्न देंगे, यूएसएएस के तहत आपने दे दी रिटर्न। जब आपने बेटा रिटर्न दे दी तो इसको हम कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद बेटा होती है अमेंडमेंट, हम इसको कहते हैं। वेरी सिंपल, मैं बड़ी सिंपल सिंपल बात बेटा करने लगा हूं। ये बेटा जो अमेंडमेंट है ना, इसका सोर्स कोई भी हो सकता है। आप कहेंगे कोई भी सोर्स का क्या मतलब है, कि मैं भी बेटा अपनी एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल उजैफा की लेते हैं यार, चलो मैं तो सरकारी मुलाजम हूँ, मेरे ऊपर तो ज्यादा पाबंदी, उजैफा के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। उजैफा साहब ने ये एक इदारा बनाया हुआ स्टडी लीवर के नाम से, ठीक है जी। उजैफा साहब का जनाब अली जो है ना वो एक प्लाजा भी है DHA में, इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है उसका, ये दो उसके अंदर इनकी 3-4 लाख रुपया हम बना देते हैं, अलग दे देगा उजैफा साहब, क्या फर्क पड़ता है उसके खजाने में, क्या कमी है। कभी उजैफा साहब DHA में प्लाजे के हो सकता मालिक भी बन जाए, ठीक है ना। वो थोड़े दिन पहले मैं मलिक रियाज की वो इंटरव्यू सुन रहा था अजीजी के साथ, सोहेल अहमद के साथ, रात को नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा यार किसी अमीर आदमी का इंटरव्यू सुनते हैं, ठीक है ना, उससे भी बंदे को मोटिवेशन मिलती है। तो उसको उसने पूछा कि जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कहा जी मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में मैट्रिक किया और मेरे 333 नंबर थे। आप भी सुन सकते हैं 332 थे या 333 थे, उसने कहा। तो उसने कहा कि उसमें एक नंबर भी अगर कम होता ना तो मैं, मेरी मैट्रिक क्वालिफिकेशन ना होती, फिर उसको कुछ और ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी होता है बाज दफा लाइफ में। अच्छा ये बेटा जब डीम्ड, अच्छा जी उजैफा साहब से बात हम शुरू कर रहे थे। उजैफा साहब ने रिटर्न जमा करवाई कि जी मेरी आमदनी है जी 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मेरी आमदनी है, एक 5 लाख रुपया मेरी आमदनी है, हुजैफा नाम है जी, पीरियड है बेटा इसका टैक्स ईयर 2018, इन्होंने रिटर्न बेटा जमा करवा दी, ठीक है जी। अब जब हुजैफा साहब ने रिटर्न जमा करवा दी तो जनाब 2019 में रैंडम बैलेटिंग हुई और हुजैफा साहब का नाम आ गया ऑडिट, ठीक है। अब ऑडिट के बेटा दो प्रोसीजर हैं, एक है कमिश्नर साहब सिलेक्ट कर सकते हैं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खुद कर सकता है, दूसरी बेटा होती है रैंडम ऑडिट, रैंडम बैलेटिंग में, ठीक है बेटा, रैंडम बैलेटिंग में। हुजैफा साहब का आ गया जी 2019 में, जब 2018 का ऑडिट हुआ तो ये ऑडिट में सिलेक्ट हो गए। आपका बेटा क्या नाम है? आकब। आकब साहब जनाब असिस्टेंट कमिश्नर हैं, लाहौर में लगे हुए। तो इन्होंने जनाब हुजैफा साहब को नोटिस दे दिया कि जनाब हुजैफा साहब आपका जो ऑडिट आ गया है, तो ऑडिट का वो बेटा जो एक बना बनाया नोटिस होता है हम सिस्टम से निकालते हैं, उसको बंदा हम देख के परेशान हो जाता है। उसके अंदर होता है कि जनाब आपने पूरे साल में सेल कितनी की है, परचेज कितनी की है, आपकी बैंक स्टेटमेंट दें, आप अपने बच्चों के खराजात दें, बिजली के बिल दें, ये वो सारी चीजों का ना वो एक बना बनाया सिस्टम में नोटिस है। आकब साहब ने जनाब क्लिक किया, उजैफा साहब को नोटिस चला गया कि जी आप ऑडिट में आए अपना जवाब लेके। अब उजैफा साहब के बिजनेस थे तीन, एक इनका प्लाजा था जनाब DHA में, उससे इनको रेंट आ रहा था, इनकी पीछे जरिए जमीन थी कोई 50-100 एकड़, वहां से इनको कुछ आमदनी आ रही थी। सियालकोट में एक ये कंपनी के डायरेक्टर भी हैं,
वहां से भी इनको कुछ पैसे आते हैं साल के, लेकिन इन्होंने वो ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान के अंदर कल्चर है इन्होंने वो सारी चीजें ही छुपाई हुई थी। इन्होंने एक स्टडी रिवर की छोटी सी एकेडमी बताई कि जी मेरा 5 लाख रुपया मेरी सालाना इनकम है, उसके ऊपर 5% के हिसाब से जनाब मेरा 25,000 रुपया टैक्स बनता था, तो मेरा 40,000 रुपया बिजली के बिलों में कटौती हो गई थी, तो लिहाजा 15,000 मुझे महकमा वापस करे। हुज़ैफ़ा साहब ने ये रिटर्न जमा करवाई थी। अब आकब साहब जब इनका बेटा डिटेल ऑडिट करेंगे तो फिर वो बेटा इनकी सारी चीजें देखें, ऑडिट में डिटेल से बेटा चीजें देखी जाएंगी, आपकी इनकम टैक्स स्टेटमेंट भी देखी जाएगी, आपकी जो अदर उसको हम थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कहते हैं वो भी कलेक्ट की जाएगी। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जनाब आकब साहब एक्साइज डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे कि जनाब हुज़ैफ़ा के नाम पे कोई गाड़ी तो नहीं है, फिर जनाब ये इसका निकालेंगे फैमिली ट्री, फैमिली ट्री में देखेंगे और डीजी नादरा को लेटर लिख देंगे कि जनाब आप हमें दें हुज़ैफ़ा साहब के बैंक अकाउंट कितने हैं पूरे पाकिस्तान में। हुज़ैफ़ा साहब ने सिर्फ 2 बताए हुए थे, हुज़ैफ़ा साहब के 9 बैंक अकाउंट निकल आते हैं, उनमें मिलियंस की ट्रांजेक्शन है, उनमें हर महीने किराया भी आ रहा है, ठीक है ना जी, मतलब बेशुमार बेटा उसमें चीजें जो है ना वो निकल आती। तो ये बेटा उसमें ऑडिट में एक ऑप्शन ये है लीगली, इस रिटर्न को फिर आकब साहब एज ए टैक्स डिपार्टमेंट है इनको बेटा एक नोटिस भेजेंगे, नोटिस में कहेंगे कि जनाब आपकी तो ये ट्रांजैक्शंस हैं, आप इसका हमें जवाब दें। अगर ये जवाब नहीं दे पाते तो फिर क्या होगा, वो बेटा जो इनकी रिटर्न इन्होंने जमा करवाई थी उसको लीगली आकब साहब कर देंगे अमेंड, असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे। क्या करेंगे? असेसमेंट ऑर्डर बेटा पास करेंगे। उसका एक प्रोसेस है, उसमें पहले बेटा इसको शो काज जाएगा, ठीक है, प्रॉपर शो काज जाएगा, उसका फिर ये रिमाइंडर देंगे। अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो फिर क्या होगा बेटा, असेसमेंट ऑर्डर नया होगा, उसको हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट। यानी जो एक्स वाई जी किसी भी टैक्स पेयर ने बेटा यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत गोशवारा जमा करवाया था, डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब डिपार्टमेंट उसका ऑडिट कर सकता है। कैसे? लॉ के अंदर प्रोविजन है कि रैंडम बैलेटिंग में भी इनका नाम आ सकता है, जो तकरीबन एवरेज 2% के करीब लोग जितने गोशवारे होते हैं उनमें कंप्यूटर में बैलेटिंग हो के किसी भी टैक्स पेयर का नाम निकल आता है। नंबर 2, जो जोनल कमिश्नर है जो हमने ऑर्गेनोग्राम में डिस्कस किया था, उसके पास भी ये इख्तियार है कि वो कंप्यूटर की बैलेटिंग के अलावा भी अपनी लीगल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर बेटा किसी भी टैक्स पेयर का ऑडिट कर सकता है। ऑडिट में फिर बेटा जो आपने डिक्लेयर किया है उसको डिपार्टमेंट प्रोब करेगा, वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करेगा बेटा विद द असिस्टेंस ऑफ ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन प्लस लोकल इंक्वायरी। ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन को बेटा हम कहते हैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। आपकी बेटा कोई बैंक स्टेटमेंट है, आपका कोई फॉरेन विजिट है उस पीरियड का, आपके बच्चों का एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक्स वाई जी टैक्स पेयर है, वो बेटा कोई अपने एक्सपेंडिचर शो ही नहीं करता। हम डिपार्टमेंट के पास आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जहां से वो जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो उनके पेरेंट्स के CNIC डिपार्टमेंट के पास आ जाते हैं, उसको हम अपने डाटा के साथ वेरीफाई करके देख लेते हैं कि जनाब इसके वालदैन ने तो जनाब 2 बच्चे इनके मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो जनाब 15 लाख रुपया एक बच्चे की फीस है, 30 लाख रुपया ये फीस दे रहे हैं साल की, और इन्होंने अपनी आमदनी शो की है 5 लाख रुपया, ये एक सोर्स हो गया। एक्साइज डिपार्टमेंट में बेटा जो मोटर व्हीकल का डाटा है, प्रॉपर्टी में आप जितनी भी रजिस्ट्रेशन आजकल जमीन खरीद रहे हैं कमर्शियल या एग्रीकल्चर, वो 5 लाख से ऊपर या इवन 1 लाख रुपए की भी है, तो वो सारा डाटा
जो ADLR के ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस में आपकी इंतकाल हो रहा है जमीन की खरीदो फरोख्त के टाइम, वो बेटा सारा डाटा FBR के पास आ रहा है। ठीक है, कोई भी किसी किस्म की भी डिस्क्रिपेंसी बेटा, इसको आप कहते हैं ऑडिट प्लस ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। जो आपकी बेटा डिस्क्रिपेंसी निकलेगी, डिस्क्रिपेंसी का बेटा मतलब यह है कि डिफरेंस बिटवीन योर डिक्लेर्ड वर्जन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई एनी अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, लॉ के अंदर क्लियर कट अंडर सेक्शन 176 डिपार्टमेंट के पास इख्तियार है कि ये पाकिस्तान के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे से किसी भी शख्स की इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये आपको देने के पाबंद है। आपने नादरा से लेनी है, आपने बैंक से लेनी है, आपने एक्साइज डिपार्टमेंट से लेनी है, आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो आपको उन्होंने शेयर करनी है। नहीं 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 नहीं, वो बेटा टेम्परेरी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस होती है जो लॉ के अंदर बेटा प्रोविजंस है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर करके वक्ती तौर पे रोकते हैं, लेकिन उसको बेटा खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, वो बेटा इंफॉर्मेशन की पहले भी इख्तियार था अंडर सेक्शन 176 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और आजकल भी बेटा है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, रिवाइज कर सकते हैं बेटा, आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन विद परमिशन ऑफ कमिश्नर साहब। सिस्टम में आपने रिक्वेस्ट भेजनी है कि जी मैं ये चीज डिक्लेयर नहीं कर सका, लिहाजा मुझे परमिशन दी जाए, क्योंकि आजकल सिस्टम में सारा काम हो रहा है। सिस्टम में क्या है कि वो IRS का एक सॉफ्टवेयर है FBR के पास, उसी में ही आपने बेटा अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल करनी है। डिपार्टमेंट ने भी जो आपके साथ कोरिस्पोंडेंस करनी है वो IRS वाले सॉफ्टवेयर के जरिए करनी है। जो भी नोटिस आएगा वो बार कोडेड आएगा, वो मैनुअल जो नोटिस इशू होते थे ना उसके ऊपर बेटा अब कानूनी तौर पर पाबंदी है, वो नहीं अलाउ, और वो मतलब इशू भी आजकल प्रैक्टिस भी वो नहीं है। ऑनलाइन नोटिस आपको मैनुअल भी आएगा, यानी उसका प्रिंट फॉर्म भी आपको आएगी। अभी तक प्रिंट फॉर्म इन डबल सर्विस हो रही है, आपको थ्रू सिस्टम भी आ रहा है, लेकिन हार्ड कॉपी में हम बेटा प्रिंट के ऊपर भी मुतलका ऑफिसर साइन करके तो वो आपको भिजवा रहा है, लेकिन अब आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप उसको पेपरलेस करते जा रहे हैं कि वो सिस्टम के अंदर ही फाइल मौजूद है, जब भी डिपार्टमेंट चाहेगा उसको रिट्रीव कर लेगा। अच्छा, अब बेटा कोई भी डिस्क्रिपेंसी, हम बात अपनी आगे बढ़ाते हैं बेटा, कोई भी डिस्क्रिपेंसी के ऊपर बेटा आपकी होगी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में आपको बेटा नया टैक्स लग गया, ठीक है, जब आपको बेटा नया टैक्स लग जाना है तो उसके बाद अगला स्टेप क्या आ जाना है, रिकवरी का। जब टैक्स लगा दिया आकब साहब ने, आकब साहब ने अब नोटिस भेज देना है क्या, रिकवरी का। इसका बेटा एक प्रोसेस है महकमे का, एक प्रोसीजर है कि जब आपने असेसमेंट ऑर्डर होना है उसके एक महीने के बाद आपने रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दे। जब किसी भी टैक्स पेयर को रिकवरी का बेटा नोटिस मिलेगा तो टैक्स पेयर के पास क्या इख्तियार है, वो या तो वो टैक्स जमा करवाएगा या उसके खिलाफ शाबाश वो अपील करेगा। तो रिकवरी के साथ ही बेटा अब आगे अगला स्टेप शुरू हो जाएगा अपील का, ठीक है। अब अपील का बेटा एक फोरम है, एपलेट फोरम हम उसको कहते हैं ना, पहले नंबर पे बेटा वो है CIR अपील। हर रीजनल ऑफिस में LTU में MTO में RTO में जो हमने शुरू में डिस्कस किया, एक बेटा ग्रेड 20 का ऑफिसर है उसको हम कहते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, उसकी एक अदालत है, उसका एक दफ्तर है,
कोई भी टैक्स पेयर उस रीजन के ऑफिसर का जो ऑर्डर है, जो असेसमेंट ऑर्डर है, उसके खिलाफ बेटा अपील कर सकता है। किसके पास? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास, असेसमेंट ऑर्डर के एक महीने के अंदर अंदर, सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर के एक महीने के अंदर अंदर अपील कर सकता है। सीआईआर अपील पहला फोरम है, उसके बाद बेटा अगला फोरम है एटीआईआर का, एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। उसके बाद बेटा आगे जाएगा, रेफरेंस जाएगा हाई कोर्ट। ठीक हो गया बेटा? एक साइड पे अपील है, दूसरी साइड पर डिपार्टमेंट के पास क्या है? रिकवरी है। अब रिकवरी के इख्तियार आते हैं। रिकवरी में आप बंदे को अरेस्ट भी कर सकते हैं, उसका बिजनेस अकाउंट अटैच कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस प्रीमिसेस के ऊपर एक टर्म यूज होती है हमारे, इम्बार्गो लगाना, और बाद में ऑक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकते हैं। अटैच का मतलब है बेटा कुर्की कर लेना, उर्दू में कहते हैं हम उसको। कुर्की का मतलब ये है कि जो ऑनरशिप ऑफ यूअर प्रॉपर्टी इज अटैच्ड, किसकी? मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज की जो ऑनरशिप है। हुजैफा साहब टैक्स डिफॉल्टर हैं, हुजैफा साहब के नाम एक गाड़ी है, तो डिपार्टमेंट उस गाड़ी को बेटा अटैच कर लेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट को लेटर लिखेगा कि जनाब एक्स वाई जी मिस्टर हुजैफा सो एंड सो इज टैक्स डिफॉल्टर ऑफ अमाउंट 10 लाख रुपया, और इसकी जो गाड़ी है एबीसी हुडा 2018 मॉडल, तो वो डिपार्टमेंट अटैच कर रहा है। ठीक हो गया जी? अब हुजैफा साहब गाड़ियों का लेन देन करते हैं, ये 2 महीने बाद गए हैं किसी दोस्त को साथ लेके, जनाब इन्होंने 2 पीस और जनाब पहना हुआ है, और जाते कहते हैं जनाब दे पैसे और गाड़ी मैं आपके नाम करवाता हूँ। तो जाते हैं तो एक्साइज डिपार्टमेंट वाले कहते हैं जनाब हुजैफा साहब आपकी गाड़ी तो आकब साहब ले गए हैं। ये जनाब कहेगा भाई आकब साहब कौन है? वो कहेंगे जनाब वो असिस्टेंट कमिश्नर है एफबीआर के, जनाब उनका ये ऑर्डर है, तो उनका गाड़ी तो आपकी अटैच कर ली है, महकमे के नाम पर है। अटैचमेंट इसको हम बेटा कहते हैं। महकमे के पास इख्तियार है अटैच करने का, अकाउंट अटैच करने का, प्रॉपर्टी अटैच करने का, बंदे को अरेस्ट करने का, उसका एक प्रोसीजर है रिकवरी का। डिपार्टमेंट वो शुरू कर देगा, और टैक्स पेयर किधर जाएगा? अपील में। ठीक होगा बात यहां पर, यहां तक बेटा क्लियर होगी?